हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। और सब ठीक ठाक? वेलकम बैक टू माय चैनल देव प्रियंका ऑफिशियल। और आज मेरे बेटे के लगी है वैक्सीन, और देखते हैं आज हम पूरे दिन क्या करते हैं। आओ मेरे साथ। सो गाइस, ये हमारे यहाँ सीसा रखा था, तो इनकी छुट्टी थी, तो आज ये सीसा कटवाने ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये शीशे कट के आए हैं और ये लगेंगे किचन में। ये देखो, ये हमारी किचन देखो, ये यहाँ पे शीशा लगा रहे हैं। ये देखो, होल कर दिए हैं इन्होंने दोनों तरफ। ये शीशा लग गया हमारा किचन में, इनने लगाया है, ये आया। चलो अब हम चल रहे हैं बाथरूम में दूसरा कांच लगाने। लाइट खोलो, ये देखो लाइट खुल गई हमारे घर की। अब हम जा रहे हैं बाथरूम में। ये है मेरा बाथरूम, इसमें हम लगाने जा रहे हैं। देखो कितना सुंदर है मेरा बाथरूम, ये देखो अच्छा है ना। ये देखो कितना सुंदर है, ये मेरा वॉश बेसिन है। ये देखो कितना प्यारा सा वॉश बेसिन है मेरा। किस किस को मेरी वॉशरूम की टाइलें अच्छी लगी जरूर कमेंट में बताना। ओके, ये देखो हमारा सीसा लग गया है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे भी कांच लग गया है। थोड़ा बहुत सामान भी हमने इस पे रख दिया है। अब देखें, एक किचन में भी लग गया। ये देखो एक किचन में और एक यहाँ। किचन में सारा सामान फैल गया था, अब मैं कर रही हूँ उसकी सारी सफाई। सो गाइस, मेरी अब सफाई खत्म हो गई है। अब मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो सूप। ये टमाटर है, इसे टमाटर कहते हैं। पहाड़ी, एक लाल होता है, एक पीला होता है, एक नीला होता है। हाँ, ये कर लो पहले। गाइस देखो, मैंने ये टमाटर ले लिए धो के। अब मैं इन्हें कुकर में काट काट के डाल दूंगी। गाइस मैंने यहाँ मसूर की दाल ली है, आप कोई सी भी दाल ले सकते हो। मैंने वॉश करके इसमें एक मुट्ठी दाल डाली है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें, और इसमें कुकर में सीटी लगाने को रख दूंगी। दो तीन सीटी के बाद ये कुकर मैंने खोला है। अब देखो ऐसा हो गया है मेरा सारा मैसर। अब मैं इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी सारे उसको। ये देखो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, देखो ऐसा हो जाएगा। आप जितना पतला चाहें उतना रख सकते हो अपनी मर्जी से। मैंने एक भगोना उस पर चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा तड़का देके थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी एक चम्मच, और उसमें जरा सी हींग डाल दूंगी मैं, थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं। ये मैंने हींग डाल दी, और थोड़ा सा बटर डाल दूंगी मैं इसमें। अब ये जलने से पहले मैं जल्दी से इसमें टमाटर की प्यूरी पूरी डाल दूंगी।
ऐसे अच्छे से चला लेना है, और जितना पानी आपको कम लग रहा है तो आप पानी और डाल सकते हो। मैंने भी इसमें थोड़ा पानी डाला है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़े मसाले ऐड करूँगी, बहुत हल्के लाइट। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डालूँगी स्वाद के अनुसार, थोड़ा सफ़ेद नमक, थोड़ा थोड़ा दोनों, और थोड़ी काली मिर्च। काली मिर्च डाली है ये मैंने, और इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। जैसे आप मीठा पसंद करें, थोड़ा लाइट या ज़्यादा, वैसे डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं थोड़ी क्रीम, ये मेरा सूप तैयार हो गया, मैंने इसमें थोड़ी क्रीम डाली है, और ये मैंने ब्रेड घर पे ही तल लिए थे। ये देखो मेरा सूप तैयार हो गया, अब मैं इसमें ब्रेड डालूंगी और थोड़ी सी इसमें क्रीम डाल दूंगी ये मैं, और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं धनिया पत्ते लगा दूंगी। देखो गाइस, ये मेरा सूप तैयार हो गया अच्छे से। सो गाइस, मैंने देखो ये सूप बनाया है, आप लोग बताना कैसा लगा मेरा सूप। आज मेरे बेटे के वैक्सीन लगी थी, तो इसीलिए मैंने सूप बनाया उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और उसको बहुत पसंद है टमाटो सूप, ये देखो। और आपको कैसा लगा मेरा सूप जब कमेंट में ज़रूर लिखना। गाइस, आज है लोहड़ी, और आप सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयां। सो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और खूब सारा प्यार दें इस वीडियो को, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियो जल्दी से जल्दी देखने को मिले। थैंक यू, बाय बाय।